उसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। अच्छा, तो ये डायरेक्ट आपने ब्लूटूथ कनेक्ट किया तो इसमें सिस्टम शो कर दिया जितने भी लाइट है उसके। हाँ, ओके ओके। तो ये देखो, इन्होंने एक कार बनाई है। ये जो है सैंड फिल्टर मशीन है। सबसे ज्यादा क्या कंस्ट्रक्शन लाइन में इसको यूज किया जाता है, बड़े बड़े काम को इसमें बहुत ज्यादा मजदूरों का यूज होता है और कम से कम ये हाँ इसमें मजदूर कम लगेंगे, काम जल्दी हो जाएगा उसके लिए। हाँ अच्छा अच्छा ओ जितना भी बड़ा पार्टिकल है सब यहाँ से रिमूव हो जाएगा, छोटा पार्टिकल यहाँ अंदर गिर जाएगा। हाँ हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और बहुत टाइम हो गया न्यू व्लॉग आके, क्योंकि अभी कॉलेज की वजह से ज़्यादा व्लॉग आ नहीं पा रहा है। और हम लोग अभी तक बस से जा रहे थे, बस स्टॉप पे खड़ा हूँ घर से आके, क्योंकि आज हमारा साइंस का एग्जीबिशन है। तो इसके लिए मैंने सर से परमिशन लिया वहाँ पे, क्या मतलब आपको भी देखने मिलेगा कि क्या क्या मतलब उधर पे इन्वेंशन होते रहते। और ये अपनी गाड़ी से जा रहा हूँ मैं अभी तक, क्योंकि अभी तक बस जा रहे थे तो कभी लेट हो जाता था, बस भी लेट आती है। देखो टाइम भी अभी 9 से ऊपर हो गया लेकिन बस नहीं आ रही है, बस का कोई फिक्स नहीं रहता इधर। तो अभी हम लोग अपने गाड़ी से जाते हैं आजकल, मतलब 4-5 दिन से। तो अभी निकलता हूँ मैं अपने कॉलेज की तरफ और वहाँ जाके सब मिलते हैं। और जब शुरू होगा ना एग्जीबिशन तो अच्छे से दिखाऊँगा, पर उससे पहले पूरा कॉलेज दिखा दूँगा और हॉस्टल भी दिखाऊँगा आपको। तो अगर जो अभी स्कूल में होंगे उनको इंजीनियरिंग करना होगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा एक। तो मिलते हैं फिर कॉलेज में। एक तो ऐसे ही लेट हो रहा था, ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई। और ये देखो अभी खड़े हैं, ये मेरे साथ जाता है और ये आज जा रहा है, सब लोग। एक तो लेट हो रहा है इसलिए मैं आपको अच्छे से कुछ बता नहीं पा रहा हूँ, पर कॉलेज में एक बार पहुँच के ना सब अच्छे से डिटेल बताऊँगा क्या कर रहे हैं हम लोग, किस ब्रांच के हैं और क्या क्या है वहाँ पर, आप क्या क्या कर सकते हो सब बताऊँगा। पर अभी बारिश रुके तो निकलते हैं यहाँ से। शुरुआत यहाँ से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है तो अभी मालूम है कंप्यूटर का ज़माना आ रहा है। तो ये एक आईटीआई जैसा है, जैसे मतलब आपको अगर कहीं जॉब जल्दी चाहिए कंप्यूटर लाइन में तो ये अगर आप करोगे तो आपको बहुत आसानी पड़ेगी जॉब के लिए। और हमारा जो ब्रांच है, हम मैकेनिकल ब्रांच के बंदे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये भी सेम। और हम लोगों ने अभी एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है ऑटोमेटिक वाटर फ्लो मेजरमेंट। ये हमारा प्रोजेक्ट है और अभी वहाँ पर एग्जीबिशन होगा तो वहाँ जाएँगे। तो पहले मैं आपको एक बार कॉलेज का रिव्यू दे दूं ताकि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे आके आप एडमिशन करा सकते हो। तो और सेकंड थिंग, ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज दमन। तो ये जो आपको दिख रहा है ये बीटेक एमटेक, और वो जो लास्ट में दिख रहा है ना बिल्डिंग उधर, वो है नेशनल ऑफ फैशन डिजाइनिंग। तो वो करने के लिए आपको मतलब अमीर होना चाहिए और 10वीं 12वीं आप कुछ भी पास हो कोई मैटर नहीं करता। पर यहाँ पर अगर आप 12वीं क्लियर करके आते हो इसमें तो JEE का देना पड़ेगा, और एक और है मेरे को याद नहीं है बराबर, और सिलवासा के हैं और दमन के हैं, तो ऐसे ही मिल जाता है यहाँ पे। ये यहाँ के लिए मतलब एक अपॉर्चुनिटी बोल सकते हो यहाँ के लोगों के लिए। और ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये बिल्डिंग और ये बिल्डिंग और ये वाली बिल्डिंग, तो ये वाली मैकेनिकल की है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा। और ये वाली बिल्डिंग जो है सिविल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग, और उसमें जो है IT कंप्यूटर साइंस और एक इलेक्ट्रिक का नीचे है। तो बस यही सब है, इतना बड़ा कैंपस है हमारा देखो पूरा। और यहाँ का बॉयज हॉस्टल देखिए, चलिए हम आपको अंदर दिखाते हैं। हाँ तो ये देखिए गाइस, ये हॉल है हॉस्टल का, यहाँ पानी पीने के लिए रहता है। ऊपर भी एक फ्लोर है, नीचे भी एक फ्लोर है। इधर एक रूम है 9 से 16 तक और इधर 1 से 8 तक। चलिए आपको रूम के अंदर दिखाते हैं। देखिए हम लोग रूम के अंदर जा रहे हैं, एक रूम में कितने लोग रहते हैं आपको दिखेगा। ये देखिए यहाँ का रूम है, एक रूम में 3 बेड है
तीन स्टडी टेबल मिलेगा आपको रहने के लिए, तीन लॉकर है, ये देखिए 1 2 3 थ्री बेड है। ये भाई देखिए सो रहा है यहाँ पे। अभी टाइम कितना हो रहा है? दस बज रहा है। तो गाइज हमारा एग्जीबिशन जो है अभी टाइम स्टार्ट होने वाला है कुछ देर में, तो बस अब जाते हैं ऑफिस में और वहाँ पे क्या क्या होने वाला है, क्या क्या लोगों ने इन्वेंशन किया है सब दिखाने वाले हैं। बहुत कुछ अमेजिंग है हमने देखा है, लेकिन आपको अच्छे से दिखाएंगे बताएंगे नहीं, तो बस चलते हैं उस तरफ। कॉलेज का आपको रिव्यू दे दिया, और अगर कुछ और जानना हो तो कमेंट करना, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा डिटेल में, और क्या फीस वगैरह है वो सब बता दूंगा, कितना लगता है एडमिशन के टाइम पे क्या लगता है सब मैं बता दूंगा, कमेंट करना मेरे को पर्सनली। तो अभी चलते हैं ऑफिस में। हरिये भाई जो है हमारे क्लास के सीआर हैं, कुछ अच्छा बोलने वाला था लेकिन जाने तो मैं इनकी तरह नहीं हूँ। अरे कोई बात नहीं दोस्त, भाई अपना सीआर है, सपोर्टिव बंदा है। आज एग्जीबिशन है उसके लिए। हाँ हाँ आ रहा ना। हाँ चल फिर गाइस, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, सब लोग देखो खड़े हो गए यहाँ पर। बस अभी स्टार्ट ही होने वाला है, ये रिबन कटेगा उसके बाद पूरा स्टार्ट हो जाएगा। Our principal sir. हमारे आशीष सर इंजीनियरिंग ड्राइंग के सर है हमारे, और ये हमारे एचओडी सर है, और ये हमारे मेंटर है सर। गाइस ये इलेक्ट्रिक क्लास वालों का प्रोजेक्ट है, बहुत भीड़ थी इसके वजह से हम दिखा नहीं पाए, तो ये देखो इन्होंने बनाया है ये, और ये हम पहले यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। ये है देखो क्या है ये, और यहाँ पर ये भाई लोगों ने बनाया है, और सब लोग खाना खाने गए हैं इसके वजह से हम लोग दिखा पा रहे हैं अभी, क्योंकि मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा उसमें आप देखोगे कितनी भीड़ है, तो उसके वजह से और पब्लिक की आवाज़ भी नहीं आ पा रही है उसमें, इतनी भीड़ है। और ये है मैकेनिकल वालों का और कंप्यूटर वालों का जो उन्होंने बनाया है, तो पहला एक गाड़ी बनाया है इधर गो कार्ट करके, और ये देखो ये भी अभी हम मैं दिखाऊंगा इसका एक क्लिप बाद में कैसे वर्क कर रहा है, इसका भी एक क्लिप दिखा दूंगा आपको, क्योंकि बहुत भीड़ थी तो वहाँ पे आवाज़ क्लियर नहीं है इसकी वजह से। और ये ऑटोमेटिक डस्टबिन बनाया है भाई लोगों ने, ये रहा उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है सारा, ये उनको 20 नंबर लोट हुआ है, और ये एक हमारे जो संदीप भाई हैं सीनियर है, उन्होंने एक स्मार्ट ये बनाया है इमरजेंसी व्हीकल डिटेक्टर, तो इससे भी एक बहुत हेल्प होगा। और ये है तो ये भी बना हुआ है आप देख सकते हो, और 3 नंबर इसको मिला हुआ है गैरेज बॉक्स, ये भी कैसे वर्क करता है मैं एक क्लिप आपको दिखाऊंगा। ये हमारे क्लासमेट ने बनाया है चंद्रयान 3 का रोवर, और ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये कैसे वर्क करता है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये चालू कर दिए और इधर से चालू करेंगे, तो देखो ये पानी आ रहा है, और ये जो मीटर आपको दिख रहा है तो ये एक ऐसा वर्क है, मतलब हर घर में हम ये लगाएंगे ताकि हमको मालूम पड़ेगा कि हम कितना पानी यूज़ कर रहे हैं, तो इससे पानी की बचत होगी। और ये एक डिस्प्ले लगा होगा जिसमें शो करेगा कि कितना पानी हमने यूज़ किया है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। देखो मेरा नाम यहाँ पर लिखा है, और ये रोहित करके और एक बंदा और हमारे क्लास का, तो अभी इसको ऑफ कर देता हूँ, सब खाना खाने चले गए, उसके बाद वापस चालू होगा एग्जीबिशन,
और ये एक ऑटोमेटिक है, ये देखो कार बनाया इन लोगों ने। ये फुल एक प्लांट जल्दी जल्दी उगने का एक तरीका है, जहाँ पर सब लिखा हुआ है देख सकते हो। और एक ये भी है मैकेनिकल, ये रिमोट से कंट्रोल होता है। और एक ये भी है, यहाँ पर जितने भी चीज़ बने हुए हैं ना, मतलब जो मैं जब दिखाऊंगा ना तो उसमें बहुत भीड़ है। आपको मैं दिखाऊंगा कितनी पब्लिक है उसके अंदर, आवाज़ कुछ भी क्लियर नहीं है। तो मैं बाद में एक एक क्लिप आपको दिखाता रहूँगा कितनी भीड़ है पीछे, ताकि आपको पता चले कि मतलब बाद में मैंने ये क्लिप क्यों लिया। हमारे कॉलेज ने हमको खाना प्रोवाइड करवाया है, जो भी मतलब पार्टिसिपेटियन है। ये देखो इधर सब चाप रहे, खाना तो अच्छा ही दिया है, मेरे को लग रहा है खाना तो अच्छा दिया है। चाप रहे हैं भाई, भूखे हैं एकदम, देख रहे हो इनको। अच्छा तो ये डायरेक्ट आपने ब्लूटूथ कनेक्ट किया, तो इसमें सिस्टम शो कर दिया जितने भी लाइट है उसके। हाँ ओके ओके सर। तो एक गो इलेक्ट्रिक गो करके कार बनी हुई है, ये भाई लोगों ने बनाया, यहाँ बैठे हैं। और ये ऑटोमेटिक चलती है, एक बार चार्ज करने पे 40 किलोमीटर जाती है ये। हाँ उसका स्पीड कम होगा, जैसे जैसे हमने गियर शिफ्ट करेंगे उसका मतलब जितना छोटा गियर होगा उतना ज़्यादा उसका टॉर्क कम होगा, इस वजह से उसका स्पीड ज़्यादा बढ़ेगा। अच्छा ओ जितना भी बड़ा पार्टिकल है सब यहाँ से रिमूव हो जाएगा, छोटा पार्टिकल यहाँ अंदर गिर जाएगा। हाँ फिर अभी कुछ अच्छा दिखेगा दिखाता हूँ, तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।